ये अभी अभी मुझे गिफ्ट मिला है, एकदम भन्नाटेदार भाभी की तरफ से। और यहाँ यहाँ ट्यूटोरियल चल रहा है उसका। तो हम लोग को दबागे था। थैंक यू, बहुत थैंक यू। इसे हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वीडियो कैमरा नहीं है, इंस्टेंट कैमरा है। मन खुल रहा है। पुराने जमाने में जो कैमरा जाया करते थे उसमें से इंस्टेंट फोटो निकलते थे, ठीक है, और उसको पोलरॉइड कैमरास कहते थे। इसमें से तुम फोटो खींचोगी और फोटो निकल आएगी तुरंत, बस उसको सूखने में। मैंने ये वाला कैमरा ना अनुपमा में देखा है। अनुपमा सीरियल आता है। अच्छा हाँ, उसमें ये देखा है उसके पास। हाँ गलत लग रही है यार, आपको पता पता है नहीं कुछ। पॉज कर दो ना। नहीं ये मैंने वैसे गिफ्ट किया है ईशु की आज की परफॉर्मेंस देख करके। जन्नाटेदार परफॉर्मेंस दिया ईशु ने, ये उसके लिए। भाभी भाभी ये मैं गाना भूल गया था बिल्कुल। मैंने बताया था इनके सीक्रेट की, इनका सीक्रेट क्या है, क्या खुद नहीं। आपको पता कैसे चला? अरे ये निकलती है बाबा, कवर तो निकालो ऊपर से। नहीं नहीं ये सुन लो, मैं बोले ले आती हूँ उसे देख लो। यार खराब मत कर देना सुन गया मेरा कैमरा। विवेक मैं बता रही हूँ गलत कर रहे हो, ये नहीं लगती है इसे। भैया खराब मत कर देना। एक काम करो। हाँ बोलो बोलो, मैं सुनना चाह रही हूँ। यूट्यूब देवा देवा मिला बेटा। एक एक आप अपने साथ लो। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, इधर देखो इधर देवा, इधर देखो इधर ताऊ जी की तरफ देखो, इधर इधर देवा देवा देवो। अरे भाई इधर दिखाना, देखो ए देवा हटाओ भाई। अरे भाई जी क्या कर रहे हो तुम? देवा एक मिनट रुक जाओ। देवा ये क्या निकला है ऊपर का? देवा 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 यहाँ से, ये यहाँ से बंद होता है। हाँ इससे ही खुलता है, मतलब उससे क्लिक होता है। आओ साथ में आओ तुम्हें। यहाँ पे ये होता है कुछ मैसेज लिखने के लिए। फीलिंग कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ गुड्डू बहुत बुरा लग रहा है। गुड्डू तो है ही एकदम बकवास। बकवास मत कहना। क्या थके हुए थे, दे दिए तो बंदे पर सुनो सेल्फी कैमरा। 1 2 3 पहले जमाने में होती थी ना। आई मैं मिला है उससे। इसने हायर कर रखा है सबको, इसने हायर कर रखा है सबको। बाद में पेमेंट करेगा जब कमाने लगेगा तो। ये क्यों मामा जी? ले 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 बना मत किया करो। कितने अच्छे पकड़े सही बात है, सबको समझ है। कितने अच्छे पकड़े दे समझ सबको है। मौसी आपको याद आएगी ना? हाँ तो आप आधा जल्दी से टापा फिर सब जल्दी आएंगे बेटा। हाँ मौसा जी आइए टापा आप ही। हाँ बिल्कुल जल्दी बेटा, पैसे रखना। हाँ जल्दी चलो।
आइए मामा जी टावा। हाँ व्लॉग बना रहे हैं आपका। तो भाभी ने विक्स मंगा दी थी इसके लिए, तो रात में लगा दी थी, आराम से सोता रहा था। चलो क्या एसी चल रही है क्या? नहीं चलाने लायक नहीं, बहुत गर्म कर रहा हूँ। मौसी नहीं जाना उसको आपको छोड़ के। सोनू को बड़ी अच्छी तरह खेलते, बहुत सोनू को भाई बहुत शौक है। चल स्टार्ट कर। ठीक है। जय माता की, जय माता, जय माता की। ये लो सोल तो रह गई, दे दे दे। उधर किधर? मैं भी इधर हूँ। क्यों थी भाई? तुम लो नहीं थे? तुम कुतावा नहीं जाना था? हाँ? जाना है कि ताऊ जी के लिए कैमरा रख लिया था? हाँ? कहाँ पहुँचे अभी हम लोग? नोएडा निकल गए? नोएडा निकल गए? नोएडा? हाँ नोएडा ही चल रहा है, ग्रेटर नोएडा आने वाला है। ओह बस 2-4 किलोमीटर में आ जाएगा। सब सो रहे हैं और देवा हमारे खेल रहे हैं। लाल 10 क्यों थी भाई? 8 7 क्यों थी भाई? 5 4 क्यों थी भाई? 2 1 गर्मी हो रही थी बहुत। क्या क्या लाए हो पैक करवा के? मक्खनी बर्गर, एक वेज क्रिस्पी है, एक एग। बिकॉज़ आई लव अंडा। खेल रहे हैं अभी, थोड़ा धूप हो गई थी, इनको पसीना आ गया था बहुत तेज, तो मैं इनके सारे कपड़े चेंज कर दिए, उतार दिए। अच्छा पैसे होंगे अभी? हाँ घोड़े तो फिलहाल हम लोग आगरा पहुंचने वाले थे अभी। ओ भाई साहब आज इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, गाड़ी चलाते टाइम पे कुछ पूछो नहीं। अभी मतलब 6 घंटे हो गए हम लोग को गाज़ियाबाद से निकले हुए और अभी तक हम लोग सिर्फ मथुरा पहुंचे हैं 6 घंटे में। काले सांप की कैचुली? हाँ यार तो काला नहीं होता एकदम, काला उसकी है। तो सांप भी होगा यहाँ पे? ए जल्दी जल्दी कर लो। तो अभी देवा ने पॉटी कर ली है इसलिए रुके हैं, इससे पहले रुके थे क्योंकि मैं सो गया था, ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते आँख लगी, आँख खोली तो देखा मेरे बगल से मतलब जैसी पीछे से कार आ रही है और मेरी गाड़ी डिवाइडर की तरफ जा रही थी राइट साइड, तो मैं रोक के 1 घंटे रेस्ट किया, थोड़ा सा सोया और अभी फ़िलहाल मथुरा निकला है। अभी अभी बस 1 मिनट हुआ है और देवा ने पॉटी कर ली, अभी इनकी पॉटी वोटी साफ करी जा रही है यहाँ पे। अब देखो रेस्ट करते हुए ही जाऊँगा, देखो 3 के 6 घंटे लगेंगे आज पहुँचने में।
पहुंचा देंगे। नंगा लेट है क्या? सिरसागंज पहुंच गए तो इटावा ही पहुंच गए ना। अरे राम, तो चलिए अब निकलते हैं। एक्सप्रेस वे पे काफी जान मिलेगा। हाँ, सिरसागंज के लिए अंदर से जाना पड़ता है। तो चलो मिलते हैं। बाय। पहुंच ही गए बस लगभग, मतलब कटपोरी कटपोरी अभी बस 30-40 किलोमीटर और है। ये देखिए, इस बार मैंने लगभग लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज निकाला है दिल्ली से यहाँ तक, मतलब कि लगभग लगभग वही 2000 के अंदर अंदर 1700-1800 में हम लोग गाजियाबाद से इटावा आ गए। ये है इटावा वाला कट, यहाँ से हम लोग निकलेंगे पहुँच जाएंगे इटावा। अरे वाह, कितनी सुंदर बस है ये, है ना? ज्यादा इसे खरीद लेंगे हम लोग, ठीक है? तो इसमें बनाएंगे अपना झोपड़ा। पता नहीं किनके फोन में आया, तो पता नहीं। आ रही तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और थकान तो इतनी ज्यादा है कि और कितने बजे पहुंची देखो, 5:30 बज रहे हैं। हाँ, हम लोग सुबह निकले थे घर मौसी के यहाँ से 8 बजे निकले हुए थे। सिर्फ 350 किलोमीटर है, और 350 किलोमीटर हम लोग को पार करने में 10 घंटे लग गए लगभग। 10 नहीं, सिर्फ थकान की वजह से, नींद की वजह से सिर्फ। और अभी भी इतना थकान है कि सब सामान रखा हुआ है, सेट करने का कोई मन नहीं है। देखते हैं क्या होता है, शाम को खाना भी क्या बना। लेकिन पापा और पापा ने ना घर की जो हालत करके रखी है ना, मतलब एक नंबर, एकदम जैसे छोड़ गए ना उससे ज़्यादा साफ सुथरा मिला हम लोगों को। हम लोग एक दिन, कभी कभी मैं एक दिन छोड़ के पोछा लगाती थी ताकि देवा को ठंड ना लगे, मतलब सर्दी से बचूं। डेली सफाई, लेकिन पापा डेली सफाई करते थे, और एकदम साफ सुथरा घर पड़ा है। यहाँ तक के बर्तन तक धुले हुए सारे मिले, एक बर्तन भी सिंक में नहीं मिला मुझे। फोन करके पूछ रहे थे कि खाना क्या खाओगे। हाँ, हम लोगों ने तो खैर मना कर दिया था। खाना मौसी ने पैक भी किया है, वो तो मैंने सब्जी डाल दी गाय को, वो सब्जी खराब हो गई, लेट ही इतने ज्यादा हो गए हम लोग। लेकिन हाँ, हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी खाएंगे और सो जाएंगे। मैं कुछ नहीं, और इस ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। आगे का जब भी दिखाएंगे अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।